हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आज फेब 2 है और मैं गुवाहाटी में हूँ। अभी गुवाहाटी से मैं दिमापुर जाने वाला हूँ, तो मैं अपना रूम से निकल चुका हूँ। अभी गया हूँ मैं नीचे, नीचे जाकर मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। आप देख सकते हो, मैं ब्रेकफास्ट खाने के बाद में मैं यहाँ से जाऊँगा मैं अपने घर पर, और फिर वहाँ पर कुछ काम है, वहाँ से निकलने के बाद में मैं सीधा दिमापुर के लिए निकल जाऊँगा, मैं और इस्माइल भाई। दिमापुर का जो जर्नी है 6 आवर का जर्नी है। तो मैं आते वक्त क्या हुआ था कि मैं स्विफ्ट लेके आया था गुवाहाटी, तो अभी जाते वक्त मैंने अपने बड़े भैया जो है डॉक्टर, उनका जो गाड़ी है वो मैंने ले लिया है। तो गाड़ी अलकज़ार लेने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग दोनों जाने वाले हैं दिमापुर। तो मेरे साथ में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए जर्नी का और मज़ा लीजिए। साथ में इस्माइल भाई रहेंगे और कुछ काम है हमें गुवाहाटी में, तो फ़िलहाल हम लोग को काम करके हम लोग निकलेंगे। और फिलहाल मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ क्रेंचर ग्रैंड में। ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं अपना रूम में जाऊँगा, फिर की सबमिट करूँगा। और सबमिट करने के बाद वहाँ पे एक प्रोसीडर होता है कि यहाँ पे रुकना पड़ता है 5-10 मिनट के लिए। उस दौरान आपका रूम का वो लोग तलाशी लेंगे कि वहाँ पर कुछ मिसिंग है कि नहीं है। ये सब प्रोसीडर होने के बाद आपको जाने देंगे। तो चलते हैं और ये सब प्रोसीडर ख़त्म करते हैं और अपना जाने का साथ शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथ में बने रहिए और जाने का मज़ा लीजिए। भी आए हैं हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये है रूम से पूरा होटल का एक व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विमिंग पूल भी है, रेस्टिंग एरिया भी है, और पाथ है जहाँ से आपको पार्किंग एरिया मिल जाता है। और राइट हैंड साइड अगर आप जाते हो तो हॉल मिलेगा, वहाँ पे जिम भी है। तो ये है फुल व्यू ऑफ द होटल क्रेंची ग्रैंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो होटल से हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, अभी भैया का गाड़ी लेके हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से सीधा हम लोग निकल जाएंगे, इस्माइल भाई साथ में हैं। तो यहाँ से जाएंगे नारंगी, नारंगी से वो शॉर्टकट वाला रास्ता ले लेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा दिमापुर। बीच में अगर हम लोग रुकते हैं तो आपसे बात ज़रूर करेंगे। ये जो जर्नी होगा वो 6 आवर्स का जर्नी होगा। तो चलते हैं और आरम्भ करते हैं अपना जर्नी को। सो गाइज, आफ्टर 3 आवर्स ऑफ जर्नी हम लोग डोबोगा का जो बाईपास जो तिनाली है वहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम लोग केरलियन रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पे जाकर शावरमा आज खाने वाला हूँ हम लोग। जाते वक्त मैंने बोला था आपको कि शावरमा यहाँ का बहुत अच्छा है, तो आज शावरमा खाएंगे, वहाँ पे चाय पियेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये जो जर्नी जो हम लोग किए, रास्ते में इतना सारा ब्रिजेस बना रहा है, इतना मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग एक बार भी मतलब दरवाज़ा ये सब हम लोग खोल नहीं पाए, धूल और ये सब मिट्टी बारी ये सब था। लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि ब्रिजेस हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए, अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब 1-2 साल के बाद में ये यहाँ पे जैसा कि रोहा से लेके गुवाहाटी का जो जर्नी है वहाँ पे आपको ब्रिजेस मिलेगा, तो आपको बहुत जल्द जो 3 घंटे का जो जर्नी है वो 2 घंटे में आप पूरा कर सकते हो। तो ये था अपडेट रास्ता का। तो चलिए चलते हैं केरलियन रेस्टोरेंट जाके शावरमा ट्राई करते हैं। शावरमा मेकिंग अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, मैंने पूरा फुल वीडियो लिया है शावरमा कैसा बना रहा है वो। फुल दुकान दुईटा
बेस्ट समय में थोड़ा बहुत चिली है, चिली का फ्लेवर यार मिलता है, बाकी बेस्ट है। तो हम लोग शावरमा खा के निकल गए हैं। यहाँ से जो दिमापुर का जर्नी होगा वो अराउंड 2.5 आवर्स का है, अगर स्लो चलाएंगे तो। अगर बहुत फास्ट चलाते हो तो आप 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में अगर पहुँच जाओगे, लेकिन अभी रास्ता ख़राब है, ब्रिजेस बन रहा है, तो उस हिसाब से मैं स्लो चलाऊँगा और अराउंड मुझे लगता है कि 3 घंटा में जाके पहुँच जाऊँगा। इसलिए गाड़ी में बहुत सारा सामान भी है, किचन आइटम मैंने लिया है, तो वो सबको स्लो लेके जाना है। तो चला के जाएंगे और स्लोली एंड स्टडी वी आर गोइंग टू रीच दिमापुर। सो आफ्टर लॉन्ग जर्नी 7 बजे हम लोग आके पहुंच गए दिमापुर। इस्माइल भाई अपने चुमू जा रहे हैं और मैं अपना दुकान जा रहा हूँ। तो मेरे ब्लॉग को अगर लाइक और सब्सक्राइब किए नहीं है तो जल्दी से जाकर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार अपना देते रहिएगा। टिल देन सब बखैर, हम लोग मिलेंगे अपने नए ब्लॉग के साथ में। आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल।